कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 11वें दिन भी जारी है। देश के कई राज्यों से आए किसान राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। देश भर में किसानों को समर्थन मिल रहा है, वहीं अब इस आंदोलन का असर लोगों के कामों पर भी दिखने लगा है। दरअसल हरियाणा के करनाल में एक दूल्हे ने किसानों के समर्थन के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला। दिल्ली में जुटे किसानों के समर्थन में दूल्हा अपनी महंगी लग्जरी कार छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होकर मंडप में जा पहुंचा। हरियाणा के करनाल में रहने वाले सुमित धुल का ये खास तरीका वाकई में काफी अनोखा और जुदा रहा। उन्होंने अपनी शादी के दिन फूलों से सजी मर्सिडीज गाड़ी से शादी समारोह तक पहुंचने की बजाय ट्रैक्टर को चुन लिया। यहां तक कि दूल्हे के साथ कुछ बाराती भी ट्रैक्टर पर सवार होकर शादी में शिरकत करने पहुंचे। दूल्हे ने ऐसा किसानों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए किया। दूल्हे की माने तो किसान इस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार को किसानों की बात को दिल खोल कर सुनना चाहिए। हमारा बेस जो है किसानी है। पहले आज हम कोई भी चीज़ हमारे तक आ रही है तो पहले किसान सबसे बड़ी प्रेफरेंस है इस देश की। तो हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब जो लोग आज दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सिर्फ यही ना मान के चलिए कि वही लोग इसके समर्थन में हैं। आज घर घर में इसका समर्थन है, तो सरकार को ये थोड़ा समझना चाहिए कि मतलब जो आज ये परेशानी आ रही है और सर्दियों के दिनों में जो आप पानी की बौछार किसान के ऊपर कर रहे हो, ये सरासर तानाशाही और ये बहुत गलत रवैया सरकार का। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 11वें दिन भी जारी है। 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा फॉर्मर प्रोटेस्ट अब तीखा रुख लेता जा रहा है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों से जुड़े नेताओं के बीच शनिवार को हुई मीटिंग भी बेनतीजा रही। बहरहाल करनाल के इस दूल्हे का यह अनोखा अंदाज आपको कैसा लगा, आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।